Hey guys, welcome back to my YouTube channel and if you see this video for the very first time, hi, I'm Anshika Bhardwaj and in today's video, ये vlog भी बहुत ज़्यादा ही sudden है और अभी मैं जाने लगी हूँ एकदम से बंजारा मार्केट, वहाँ पे explore करेंगे कि आप क्या क्या वहाँ पर explore कर सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि मैं वहाँ पे अच्छे से आपको दिखा पाऊँगी थोड़ा सा मार्केट के बारे में. सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबको अपनी केयर के हिसाब से वहाँ पर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है. एंड आपको वहाँ पे आउटफिट्स भी ऐसे लेने हैं, मतलब पहन के जाना है जैसे आप टैन ना हो या कुछ, आप सनस्क्रीन लगा के जाएं, ब्ला 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 ब्ला. तो वहाँ जाके मिलती हूँ आपसे. तो बी हेल्दी एंड अच्छे से जाएं, मेट्रो से जाएं और आपका जो पर्सनल व्हीकल है उसमें ज़्यादा आपको सुटेबल होगा क्योंकि अगर आप वहाँ से कुछ शॉप करते हैं तो. अदरवाइज आपको घूमने जाना है, एक्सप्लोर करना है तो आप कैसे भी जा सकते हैं. कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े. सिकंदरपुर उतरी हूँ मैं मेट्रो से और अभी मैं रैपिडो मेट्रो लेने जा रही हूँ, रैपिड मेट्रो लेने जा रही हूँ जिससे हम उतरेंगे सेक्टर 56. तो वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ कैसे हम आगे का रास्ता सफ़र तय करेंगे और आपको मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी बता दूँगी. टिल देन बाय. आगे आने के बाद ना आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ जाएगा कुछ, या 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पड़ जाएगा आपका. लेकिन आप अगर बिल्कुल ही नहीं चल सकते तो आप वहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं, वैसे आपको 500 मीटर यहाँ से पड़ेगा वॉकिंग डिस्टेंस पे. तो अभी मैं पैदल जाने की कोशिश करूँगी और अगर नहीं चला जाएगा तो मैं ऑटो ले लूँगी. यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा आपको, अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखानी तो दिखा सकते हैं, पर अभी धूप वगैरह है तो ऑटो इज मे बी बेटर. बट आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पैदल जा ही नहीं सकते हैं, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है तो चलते हैं. मैं यहाँ पे आके गन्ने का जूस पीने वाली हूँ क्योंकि हमें हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी है, बेहोश होकर ही ना पड़ जाओ कहीं पे, इसलिए हमें पहले थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहना चाहिए. अपनी वाटर बॉटल्स अपने साथ रखना और बाकी आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गन्ने के रस वाले मिल जाएंगे, गन्ने के जूस वाले मिल जाएंगे, आप अच्छे से हाइड्रेटेड रह सकते हैं, वहाँ पर कंजूसी ना दिखाएं. मार्केट की एग्जैक्ट लोकेशन पर तो पहुंच चुके हैं लेकिन अभी यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि बंजारा मार्केट टूट चुका है और ऐसे कुछ नहीं मिलता है, तो अभी आगे चल के हम देखने आए यहीं आसपास में कि हमें कुछ मिलता है, क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे कोई साइड हो जाओ पेट्रोल पंप बता रहे हैं, उससे हमें राइट मोड़ के देखना है, तो देखते हैं आगे मिलती है या नहीं मिलती है. अभी हम थोड़ा सा आगे आगे चल रहे थे तो अभी हमें यहाँ से एक शॉप लटकने वाले. क्या क्या क्या
मैडम क्या करूँ, या तो दुकान में रहो अपने। मार्केट टूट रही है, वो सच में टूट रही थी। यहाँ पे बहुत ठंड ऑन कर रही है, तो जल्दी जल्दी मैं व्लॉग नहीं कर पा रही ज़्यादा अच्छे से, बट स्टिल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग। अभी कोरोना गया नहीं है, दोबारा से वापस आ रहा है, सो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ना आपको पानी बिल्कुल भी, कहीं दूर दूर तक भी बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा। धूप बहुत ज़्यादा होगी अगर गर्मी में आते हो, और पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा तो आप पागल हो जाओगे। तो बेटर कि आप अपना पानी साथ लेके आए, लेकिन वो भी गर्म रहेगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। ठंडा क्या मतलब, नॉर्मल गर्म हो जाएगा आपका पानी। तो आप यहाँ पर बस गन्ने का रस, लस्सी एंड सम ड्रिंक्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बट पानी की चाहत से रह जाएगी आपने कि आपको पानी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ ये यहाँ की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, अभी पानी ढूंढ ढूंढ के बहुत ज़्यादा, शायद से एक जगह मिल जाए, देखते हैं अभी। गाइस में से जैसे बोलते हैं ना कि अनलक्की हम हैं, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा मुझे मैं अनलक्की लगती हूँ। कोई भी काम मतलब सीधा हो ही नहीं सकता मेरा, जिस दिन का जो प्लान बना लो ना बना लो काम बिगड़ता ही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ भी गए, ऊपर से अभी मम्मी का फ़ोन आया कि जो बंजारा मार्केट है, अभी मैं भी आपको बता रही थी कि वो टूट रहा है ज़्यादातर। एंड यहाँ पर वो टीवी में भी दिखा रहे हैं कि बुलडोज़र जो होते हैं वो तोड़ रहे हैं पूरे मार्केट को, अंदर अंदर तो ज़्यादा गए नहीं, फिर भी बहुत चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा चले हैं एंड बहुत ज़्यादा घूमे हैं। बट मैं ये बता रही थी कि कोई भी काम सीधा नहीं हो सकता। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज मुझे ये मिलने में हो रही है, मतलब इतना दूर चल के आए बंजारा मार्केट के बाद, तब जाते ये ठंडे पानी की बॉटल नहीं, वहाँ तो पानी भी तक भी नहीं मिल रहा था, बट नाउ आई गॉट ठंडे पानी वाले। सो गाइस द शॉपिंग इज डन एंड आई एम सो टायर्ड लाइक बहुत ज़्यादा, और आज कुछ इसलिए भी ज़्यादा कि मार्केट से इसे लग नहीं रही थी, बट स्टिल जो भी था वहाँ पे आपने एक फ़र्क देखा। आई थी मैं मेट्रो से क्योंकि मैं खाली आती, जा रही हूँ मैं कैब से क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, लेकिन वो भी बहुत कम थी मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, दूसरों के हिसाब से कम होगी। जिनको अपना घर अच्छे से डेकोरेट करना है जो भी है, वो बहुत अच्छा स्टफ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है।
तो कल गाइस मैं आ गई थी, जैसे कि मैंने वहाँ से लीव करा था 5:30 to 6 के बीच में शाम के, वहाँ से मैं निकल गई थी उस मार्केट से। देन उसके बाद यहाँ पहुँचने में मुझे 9:30 बज गए, 9:15 से 9:30 बज गए, बिकॉज इतना ज़्यादा जाम मिला था। सो जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ, 1 सेकेंड, जो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगी आपके साथ बंजारा मार्केट के लिए, बहुत लोग तो जानते भी नहीं है बंजारा मार्केट को, बट बहुत अच्छी मार्केट है, सबको एक्सप्लोर करनी चाहिए। बाकी न्यूज़ को देखते हुए तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि आगे के अपडेट्स चेक करने के बाद ही आपको जाना चाहिए। बाकी वहाँ पे ना ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि मार्केट हट गया है, फलाना फलाना हो गया, क्योंकि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा बंजारा मार्केट। और बंजारा से क्या मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं रहते, वो जगह जगह चेंज होती रहती है। तो कल क्या हो रहा था वहाँ पे कि वो जो मार्केट है वो तोड़ रहे थे, उनकी ये कह रहे थे कि कमेटी वाले हैं वो तोड़ रहे हैं। एंड वहाँ पर बहुत सारे बुलडोजर्स वगैरह चल रहे थे, मेरी आंखों के सामने भी बहुत सारी शॉप्स वो तोड़ रहे थे, और भी सामान तोड़ रहे थे, और नीचे ऐसे उनका सामान बहुत ज़्यादा वेस्ट जा रहा था, तो कॉस्टिंग और ज़्यादा लो चल रही थी वहाँ पर उस वजह से। एंड वो रो भी रहे थे कुछ लोग, एंड उनको उनका तो पूरा जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो सभी जा रहा था। देन जो भी कमज़ोर दिल वाले हैं वो बिल्कुल भी ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी में तो बिल्कुल भी ना जाएं, आप बिल्कुल भी वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट अगर आप में है कि आपको कुछ लेना है, अच्छा चाहिए, ऐसे ऐसे है, तो आप जा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि अमेज़ॉन पर या फिर किसी और साइट पर हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन वहाँ से हमें रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती हैं। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे विन करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सामान मिल जाएगा। लेकिन चीज़ ये है गाइस कि जो रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, सो आप सीधा मेट्रो से जा सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएँ, क्योंकि अगर आपको बहुत सारा शॉप करना है वहाँ से, तो आप धीरे धीरे अपनी कोई भी व्हीकल चलाएँ, कार चलाएँ, और पीछे अपना सामान रखते जाएँ, ऐसा आपको सुटेबल रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप जा रहे हो तो खाली हाथ हो, मेट्रो से आप आराम से जा सकते हो। मेट्रो से जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कश्मीरी गेट पर एक मेट्रो चेंज करनी है, कश्मीरी गेट तक जाना है, कश्मीरी गेट से आपको मेट्रो चेंज करनी है। वैसे सब अपना अपना रूट देख सकते हैं, तो वहाँ से चेंज करके आपको सिकंदरपुर की मेट्रो लेनी है, सिकंदरपुर येलो लाइन, तो सिकंदरपुर आप उतरेंगे। उसके बाद एक मेट्रो आती है, रैपिड मेट्रो चलती है, जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है शायद से, वो गुड़गांव में चलती है, एंड बंजारा मार्केट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन गुड़गांव, तो वहाँ के लिए हमें लेनी है रैपिड मेट्रो। उसके बाद रैपिड मेट्रो में जाने के बाद आपको उतरना है सेक्टर 53 पे। मैंने क्या गलती करी कि मैं सेक्टर 55 से 56 के बीच में उतरी, देन वहाँ से थोड़ा चल के मुझे जाना पड़ा। एंड अगर 53 पे उतरते तो बहुत ज़्यादा सूटेबल पड़ता, 10 कदम की दूरी पर ही आपको मिल जाता बंजारा मार्केट, एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। देन वहाँ पर 53 सेक्टर पर एक पेट्रोल पंप पड़ेगा सीएनजी का, वहाँ पर 2 पेट्रोल पंप होंगे, तो जो सेक्टर 53 सीएनजी पेट्रोल पंप है वहीं से आपकी मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फर्नीचर्स मिलेंगे, जैसे कि घर में कुछ एस्थेटिक सजाने के लिए वगैरह वगैरह। बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हैं बंजारा मार्केट के लिए और ज़्यादा अपना सामान, एंड जैसे कि कोई मिरर होता है वहाँ पर मिरर बहुत अच्छा आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बंजारा मार्केट से अपना घर डेकोरेट करने के लिए, कुछ एस्थेटिक थिंग्स, कुछ पुरानी जिनको शौक है पुरानी चीज़ों का, ऐसे करके वुडन स्टफ मिलेगा आपको, और वहाँ पर क्रॉकरीज एंड ऑल द स्टफ्स लाइक बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन वहाँ से आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छा वहाँ से खरीद सकते हैं ज़्यादा ही, और अच्छा स्टफ है, कुछ उसमें क्वालिटी वाइज मुझे बुरा नहीं लगा। डिसएडवांटेज मुझे वहाँ की यही लगी कि वहाँ पर कुछ भी खाने का स्टॉल नहीं होगा दूर दूर तक, पानी पीने का स्टॉल नहीं होगा दूर दूर तक, सिर्फ आपको मिलेगा गन्ने का रस, एंड बस गन्ने का रस, तो फिर वही क्योंकि आपको वही इतना जन्नत जैसा लगेगा। तो ये डिसएडवांटेज, आप कितना भी पानी ले जाओगे वो गर्म तो हो ही जाएगा ना गर्मी में, तो आपको उतना अच्छा लगेगा ही नहीं वो, तो और पावर के लिए आपको पानी चाहिए होगा। देखते हैं फिर आगे बाकी की, कब जाना होता है कब नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, या जो भी आपको अच्छा लगा हो, इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड बाय।